कालिकाए विद्महे शमशानवासिने धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। नमस्ते, ओम नमः श्री चंडिकाय। काली रहस्य के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मार्कंडे पुराण के अति गुप्त ज्ञान प्राधानिक रहस्य में देवी महाकाली के प्रकट होने की व्याख्या की गई है, आइए उसे जानते हैं। आद्य शक्ति त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये जगत भी त्रिगुणात्मक है, यानी तीन गुणों से बना हुआ है, तमस, रजस और सत्व। समस्त ब्रह्मांडों के सृजन से पूर्व इस शून्य जगत को देखकर आद्य शक्ति ने सर्वप्रथम तमोगुण प्रधान रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह एक नारी के रूप में प्रकट हुई, यह ही महाकाली कहलाई। तमोगुण प्रधान रूप का मतलब ये नहीं है कि महाकाली में सिर्फ तमोगुण है, इसका मतलब यह है कि महाकाली में रजस और सत्व गुण से ज़्यादा तमस गुण है। सत्व, रजस और तमस गुण के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। आद्य शक्ति का यह महाकाली रूप इस ब्रह्मांड का सबसे पहला स्त्री का एक फिजिकल फॉर्म था। उनकी शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की है। उनके नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली है। तीन नेत्रों और श्रेष्ठ डाढ़ों से युक्त उनकी मुख की कांति अत्यंत शोभ्यमान है। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, खप्पर और कटे हुए मस्तक से सुशोभित है। वह वक्ष तल पर यानी छाती पर कटे हुए मस्तक की माला और कमर पर कटे हुए हाथों की माला धारण किए हुए है। उनकी जीभ अत्यंत लाल और बाहर निकली हुई होती है, जो कि असुरों और दैत्यों का रक्त पीती है। काली माता के दांत सत्व गुण रूपी हैं और ये सत्व गुण दांत उनके रजोगुण और तमोगुण युक्त जीभ को दबाए हुए हैं। उनकी लंबी जीभ और मुख से बाहर की ओर लपलपाने में गूढ़ अर्थ छिपी है। वह यह है कि उनका जीभ जो तमोगुण से युक्त है, वो तमोगुण से भरे महादैत्यों, असुरों तथा दुष्टों का लाल रक्त पीने के लिए बहुत सेंसिटिविटी और रिसेप्टिविटी से हर ओर ऐसे असुरों दैत्यों का रक्त पीने के लिए जागृत रहता है। ऐसा माता ने रक्त बीज नामक असुर का वध करने हेतु किया था, जब उसने सुंभ और निसुंभ नामक दैत्यों के साथ मिलकर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। रक्त बीज के एक बूंद रक्त से सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी काली चामुंडा के रूप में प्रकट हुई, जिसने चंड और मुंड का वध किया था। तब देवी ने अपना मुख को इतना बड़ा किया कि रक्त बीज को मारने पे जो भी रक्त निकलता, देवी उससे अपनी जीभ से पी जाती और उसके रक्त से उत्पन्न होते सैकड़ों रक्त बीजों को कच्चा चबा जाती। इस प्रकार चामुंडा देवी तब तक रक्त पीती रही जब तक आखिरी रक्त बीज का अंत नहीं हो गया। तो इस प्रकार चामुंडा देवी ने रक्त बीज का अंत किया। माता के हाथ में ये कटा हुआ मस्तक अहंकार, ईगो का प्रतीक है, जिसे माता काट डालती है, और खड़ग या चंद्रास्त्र जिससे माता सर काटती है, वो देवी का सायुज्य प्राप्त करा देने वाला अस्त्र है। माता की कमर में कटे हुए हाथों की माला उनके भक्त के कर्म का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन्होंने अपने भक्तों से उनके कर्म ले ली हैं और अपने भक्तों के कर्मों को दिव्य बना चुकी हैं। ये ही महाकाली, महामाया, महामारी, सुधा, तृष्णा, निंद्रा, सुधा, एकवीरा यानी जिसे कोई नहीं हरा सकता, कालरात्रि तथा दुरत्या है, अर्थात जिसे पाना बहुत कठिन है। ये स्वरूप काली माता के स्वरूप से भिन्न है, क्योंकि ये महाकाली का स्वरूप है। वहीं काली माता के स्वरूप का वर्णन कालिका पुराण के अनुसार कुछ इस प्रकार है। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सन्निहित है। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी
शव के आसन पर स्थित है। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणात्मक निर्विकार केशनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। वे सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीव को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत पीन पयोधारा है। वे 50 मात्रिका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त है तथा सभी जीव मोक्ष ना होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है, जिन्हें चामुंडा देवी भी कहते हैं। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए है, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए है। उनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खपर तथा चौथे में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। काली, भद्रकाली, कालरात्रि, चंडी महाकाली से ही प्रकट होती हैं अथवा महाकाली के ही रूप हैं। वेदों में काली माता की भद्रकाली की रूप में स्तुति की गई है। अब मार्कंडेय पुराण के वैकृतिक रहस्य में और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में महाकाली के 10 सर, 10 हाथ और 10 पैर वाले महाकाली के रूप का वर्णन है, जिसकी ब्रह्मदेव ने स्तुति की थी। एक कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वर्ण में लीन हो रहा था और भगवान महाविष्णु शेष नाग में योग निद्रा में थे, उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। आपको लग रहा होगा कि महाविष्णु जी के कान में भी क्या मैल हो सकते हैं, तो जी हाँ, भगवान के भी कान में गंदगी हो सकती है। जैसे हमारे कान की गंदगी में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे ही उन कॉस्मिक एंटिटी महाविष्णु भगवान के कान की गंदगी से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया नहीं, भयंकर असुर निकलते हैं। वो दोनों असुर विष्णु जी की नाभि कमल में विराजित ब्रह्मा जी को आघात करने हैं उनके समीप जाने लगे। असुरों को अपनी ओर आता देख और विष्णु जी को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की योग निद्रा में विराजित महाकाली का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली हैं और संसार का पालन करने और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करते हैं, उनको भी निद्रा के बस में करके सुला चुकी हैं। ऐसे में उनकी स्तुति करने में कौन ही सामर्थ हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शरीर उन्होंने ही धारण कराया है। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, हे महाविद्या, महामाया, महामोहरूपा, महामेघा, महास्मृति, महादेवी, महासुरा, प्रकृति, भयंकर, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, खड़गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भिषुंड और परिध धारण करने वाली सर्वस्वरूप परमेश्वरी जगदीश्वरी विष्णु को शीघ्र उठाओ और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णवन जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था।
इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार छले जाने पर उन्होंने जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। जिनके कान के मैल से भयंकर असुर निकलते हों, जो कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के प्राण खतरे में डाल दे, वो स्वयं ही कितना ब्रह्मांडों को अपने में समाया होगा, ये कल्पना करना भी मानव के लिए संभव नहीं है। और ऐसे कॉस्मिक भगवान विष्णु को जो निंद्रा के अधीन कर दे, उनकी कल्पना करना तो और भी परे है। विष्णु जी को भी सुला देने वाली वो है महाकाली। इन महाकाली के 10 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और 10 पैर हैं। ये 10 मुख, भुजाएं और पैर दसों दिशाओं और दसों महाविद्याओं का प्रतीक है कि ये दसों दिशाएं और दसों महाविद्याएं महाकाली में ही समाहित है। महाकाली आदि शक्ति की सबसे मूल स्वरूप के समीप है। तांत्रिक क्रियाओं में इनका विशेष पूजन होता है। महाकाली के स्वरूप में इन्हीं 10 भुजा देवी का चित्रण किया जाता है। इन महाकाली की 30 नेत्र हैं, हर एक 10 सिरों पर 3 नेत्र। काजन के समान इनका काला रंग है। उनके दांत और दाढ़े चमकते रहते हैं, यद्यपि उनका रूप अत्यंत डरावना, भयावह, प्रचंड और भयंकर है। वे रूप सौभाग्य, कांति एवं अपरंपार संपदा की अधिष्ठात्री हैं। उनके हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, विशुंड, परिध, धनुष तथा जिससे रक्त टपकते रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। आराधना करने पर ये जगत को उपासक के अधीन कर देती हैं। इस वीडियो के शुरू में बताया हुआ रूप भी आद्य शक्ति महाकाली का ही है, जिनमें उनकी 4 भुजाएं हैं, और 10 भुजाएं वाली काली भी आद्य शक्ति महाकाली ही है, और बाकी काली देवी महाकाली के ही रूप हैं, जो महाकाली से प्रकट होती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे काली माता नग्न क्यों रहती हैं और इसका मतलब क्या है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो दूसरों को शेयर भी जरूर करें। नमस्ते, जय मां काली।